हेलो फ्रेंड्स, लट्टू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं हरी मटर की चाट। यहाँ पर मैंने मटर लिए, सूखी मटर। ये देखिए, एक कटोरी मैंने यहाँ पर मटर ली है। अगर आपके पास हो तो ये मटर ले लें, अदरवाइज़ आप फ्रोज़न मटर या फिर हरी मटर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूखी मटर ली है, इसको भिगो दूँगी मैं रात को भिगो के, और आराम से सुबह बनाकर इसको खा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से फूल गए पूरे मटर और बिल्कुल हरा रंग आ चुका है इनका। अब हम इनका पानी निकाल लेंगे। कुक कर लेंगे हम, उसमें तेल डालेंगे, जीरा डाल देंगे छौंकन में, इसमें हम हींग डालेंगे, हींग डाली मैंने थोड़ी सी, प्याज डालेंगे, और अब हमारी मटर डाल देंगे इसमें। एक बार चलाएंगे इसको अच्छे से। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, नमक, इसको मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मिलाएंगे इनको। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए चाट जैसे। कुकर में ढक्कन लगा के हम 3-4 सीटी ले लेंगे इनकी। ये देखिए, यहाँ पर ये बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारी मटर चाट यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट बनाइए। 5 सीटी ले ली थी इसमें मैंने। एक बर्तन में निकाल के इसको गार्निश कर लेंगे हम। इसको आप टमाटर, प्याज, नींबू डाल के इसके ऊपर और चाट की तरह खाइएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और प्याज ऐड किए हैं। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको वाकई बहुत टेस्ट लगेगी। थैंक यू।